नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। कहते हैं कि राजनीति में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। देश की यह कहावत एक बार फिर बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे और कांग्रेस सांसद नकुल नाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ 19 फरवरी को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये अटकलें हैं। कमलनाथ का कांग्रेस से करीब 60 साल पुराना रिश्ता रहा है। वो गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में शुमार हैं। इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना तीसरा बेटा बताया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई कमलनाथ का हाथ अब छूट जाएगा और वो कमल के साथ चले जाएंगे, कमल का दामन थाम लेंगे। कांग्रेस जितने भी दिग्गज हैं कांग्रेस में, वो बीजेपी में शामिल होने की अटकलों का संपूर्ण विश्लेषण करती, ये हमारी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका क्या लगा? क्या 48 घंटे बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्या कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? छिंदवाड़ा के तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर कमलनाथ के अचानक दिल्ली आने के पीछे मकसद क्या है? चुनाव से ठीक पहले क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है? कमलनाथ के साथ कांग्रेस के कई विधायक भाजपा ज्वाइन करेंगे। बड़ी अपडेट आ रही है कांग्रेस से जुड़ी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। 19 को बीजेपी में जा सकते हैं कमलनाथ। बहुत बड़ी अपडेट, 19 तारीख को जा सकते हैं। 17 है, नकुल नाथ भी बीजेपी में जा सकते हैं। कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे, अपने सांसद बेटे को भी भगवा पटका पहनाएंगे। कई विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 10 से 12 एमएलए जा सकते हैं बीजेपी में। 19 तारीख को कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। जिस वक्त देश के दिल मध्य प्रदेश से दिल्ली तक की राजनीति में ये खबरें तैर रही थी, ठीक उसी वक्त कमलनाथ का विमान भोपाल से दिल्ली रवाना हो रहा था। सस्पेंस के बीच दोपहर करीब 3 बजे कमलनाथ का विमान दिल्ली पहुंचता है, जिसके साथ नाथ के कमल के साथ होने की अटकलों और अफवाहों की नींव और मजबूत हो गई। सूत्रों ने पक्के तौर पर बताया है कि 19 फरवरी को कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ के सांसद बेटे नकुल नाथ भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस के 10 से 12 विधायक और हजारों कार्यकर्ता भी कमल के साथ आ सकते हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले कमलनाथ छिंदवाड़ा में थे। मेरी आखिरी सांस तक मैं छिंदवाड़ा के नए विकास के लिए प्रयास करता रहूंगा। आप सब का दिया हुआ प्यार और विश्वास मुझे बल और शक्ति देता है, और वही प्यार और विश्वास मुझे मेरी आखिरी सांस तक मिलता रहे। इसके बाद कमलनाथ के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। तुरंत भोपाल पहुंचे और भोपाल से अपने सांसद बेटे नकुल नाथ के साथ दिल्ली की उड़ान भरी। ये सब तब हुआ जब राहुल गांधी भोपाल से करीब 700 किलोमीटर के फासले पर रोड शो कर रहे थे। यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का पहला दिन था, तो एमपी से कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा विकेट गिरने की खबर तैर रही थी। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी मध्य प्रदेश में हो रही सियासी हलचल से नावाकिफ है? क्या राहुल गांधी को कमलनाथ के बीजेपी में शामिल न होने का भरोसा है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले कमलनाथ के राजनीतिक रसूख को समझना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि क्या होगा अगर वाकई कमलनाथ कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह के बाद बीते कई सालों से मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति की कल्पना कमलनाथ के बगैर नहीं की जा सकती थी। कमलनाथ का नाम गांधी परिवार के बेहद करीबी नेताओं में शामिल है। कांग्रेस के लिए कमलनाथ के मायने क्या हैं? समझना चाहते हैं तो करीब 5 साल पहले चलिए। शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण करने के बाद जश्न की ये तस्वीरें दिसंबर से बने। तब से 9 बार लोकसभा सांसद चुने गए।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक रहे हैं। कांग्रेस की सियासत और गांधी परिवार में कमलनाथ की कितनी पकड़ थी, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने छिंदवाड़ा में एक चुनावी रैली की थी। इस दौरान कहा था, ये सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद मेरे तीसरे बेटे हैं, आप इन्हें चुनाव जितवाइए। 13 दिसंबर 1979 को जिन कमलनाथ को इंदिरा गांधी ने अपना तीसरा बेटा बताया था, करीब 45 साल बाद उन्हीं कमलनाथ के अब बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। क्या वाकई ऐसा है? दिल्ली पहुंचकर कमलनाथ क्या बोले वो सुनिए। अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। कमलनाथ काहे बगाहे बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते रहे हैं। जो खबरें हैं निराधार है, कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? लेकिन उनके बेटे ने कांग्रेस से किनारे का इशारा जरूर दे दिया है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के इकलौते सांसद कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस पार्टी का नाम हटा दिया है। जो खबरें हैं निराधार है, कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? वैसे कांग्रेस को अभी भी भरोसा है कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जाएंगे। दिग्विजय सिंह बोले, ऐसी उम्मीद नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? दिग्विजय सिंह भले ही दावा कर रहे हों, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ 10 विधायकों का बीजेपी में शामिल होना तय माना जा रहा है। सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है? जवाब ऐसे समझिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के साथ ही कमलनाथ के सियासी पारी पर अघोषित विराम लग चुका है। आखिरी उम्मीद राज्यसभा की थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें दरकिनार किया गया, कमलनाथ इससे भी नाराज बताए जाते हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नौजवान चेहरों को आगे कर दिया है, ऐसे में भविष्य में भी कमलनाथ के लिए कोई भी संभावना नहीं दिखती। कमलनाथ भले ही राजनीति के वानप्रस्थ की ओर बढ़ रहे हों, लेकिन उनके बेटे नकुलनाथ का राजनीतिक भविष्य शुरू हुआ है जो फिलहाल कांग्रेस में मजबूत होता नहीं दिख रहा। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी कमलनाथ को शामिल करेगी? तो लेंगे नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल। आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात 10 दिन पहले कही थी। हफ्ते भर पहले सुमित्रा महाजन ने क्या कहा वो सुनिए। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो। वैसे कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पहले पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं है। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण जी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि कमलनाथ के आने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? जवाब है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट।
मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती, सिर्फ छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के खाते में गई। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ कांग्रेस के सांसद हैं। छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ की पारंपरिक सीट रही है। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ और नकुलनाथ की जीत का मार्जिन लगातार घटा है। 2014 से 2019 के दौरान छिंदवाड़ा में कांग्रेस का वोट शेयर 3.5% कम हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 4% बढ़ा है। नकुलनाथ को 587,305 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी नत्थन शाह कवरेती को 549,769 वोट मिले थे। जीत का फासला करीब 40,000 से भी कम वोटों का था। इससे पहले ये मार्जिन 1,00,000 से ज्यादा वोटों का रहा है। 2024 के लिए बीजेपी ने छिंदवाड़ा को कमजोर सीटों में रखा। पिछले कुछ महीनों के दौरान बीजेपी ने कमलनाथ का गढ़ भेदने के लिए पूरा जोर लगाया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नतीजों के 3 दिन बाद ही शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंच गए थे। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29। मिशन 29, और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। और मेरी दिल से इच्छा है, और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के मुख्यमंत्री होने का लाभ नकुलनाथ को मिला था। इस बार सरकार बीजेपी की है। बीजेपी मिशन 400 प्लस के लिए पूरी जी जान से जुटी है। ऐसे में नकुलनाथ के लिए राह शायद ही पहले जितनी आसान रहे। लेकिन अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर पैर जमाना आसान नहीं होगा। ABP News आपको रखे आगे।